देशाच्या इतिहासात प्रथमच एक प्रधानमंत्री भारतीय सेनेच्या नावाने वोट मागतोय. प्रधानमंत्र्यांनी आता वोट न मागता या 5 वर्षात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडावा आणि नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत असं मत माजी मंत्री आनंद शर्मा यांनी व्यक्त केलंय. भाजप सरकारने फक्त आश्वासने देऊन नागरिकांना स्वप्न दाखवली आहेत. गरीब शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, महिला सुद्धा सुरक्षित नाहीत, ना खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता वोट न मागता त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत असं प्रतिपादन यावेळी माजी मंत्री आनंद शर्मा यांनी केलं आहे. चाहे वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए या ह्यूमन कंजम्पशन का, 45% राजस्व का हिस्सा बाहर रख के रेवेन्यू का 5 स्लैब्स देकर एक GST लगाई जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और चोट पहुंची. नोटबंदी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने जो इनको चेताया था कि आपने बहुत गलत काम किया है, 2% भारत की GDP टूटी, ये वास्तविकता है, उसकी भरपाई नहीं होगी कभी भी. जो 2.5-3 लाख करोड़ रुपया टूटा है देश का, वो देश का पैसा था. और आज भी अगर आप देखें तो नात्मक दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी नहीं थकते, वो बोलते हुए ही आए थे, बोलना बंद नहीं किया, वो जाते वक्त तक बोलते रहेंगे और उतने से पूर्व प्रधानमंत्रियों को, पिछली सरकारों को कोसते रहेंगे. उनकी ये मानसिकता बन चुकी है जो स्वस्थ नहीं है. वो अपना हिसाब नहीं देते, दूसरे को बदनाम करना, परेशान करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, शासन तंत्र का दुरुपयोग करना, ये निरंतर हो रहा है, चुनाव में भी हो रहा है.